चैनल कैसे हैं आप सब। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने ये कुछ मेकअप किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मैंने क्रिसमस के लिए प्रिपेयर की थी, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है। सो मुझे लगा कि क्यों ना एक क्रिसमस पे भी एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि क्रिसमस पे लेट नाइट तक पार्टी चलती रहती है। सो मुझे लगा कि चलो एक क्रिसमस पे एक अच्छा सा वीडियो बनाया जाता है इस पर। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आएगा। सो बात करते हैं आज की वीडियो की। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है DIY होम रेमेडीज। और फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है ये भी। जो मैं आज आपको DIY बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ज़्यादा कारगर है, और वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है विद इन अ 15 or 20 days में। आप वैसे तो अगर आप उसे एक बार यूज़ करेंगे तो फ्रेंड्स आपको मीन्स खुद ही आप लोगों को लगेगा कि ये सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब आप फर्स्ट यूज़ में ही आपको पता चलेगा कि हाँ, इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। सो फ्रेंड्स, लेकिन इसे आपको एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करनी है। और जो इसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कि हमारे किचन में बहुत इजीली हम लोगों को मिल जाते हैं। इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि जितना इफेक्ट हमें DIY देती है इतना हमें किसी और चीज़ से या क्रीम से परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलता है। बट ट्रस्ट मी गाइस, ये जो DIY है इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा, और बहुत ग्लोइंग हमें एक स्किन टोन मिल जाता है अपना। सो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को उसको कैसा रिजल्ट आपको मिला। बट उससे पहले फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने बाकी फ्रेंड्स से शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट औरों को भी मिले। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमें प्रिपेयर करने के लिए चाहिए 1 tablespoon बेसन और 1/2 lemon। बेसन के अंदर जो है वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है कि जो सन टैन को रिमूव करता है, स्किन ग्लोई बनाता है और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। और लेमन के अंदर होता है विटामिन सी जो हमारी स्किन को ब्राइटनिंग और लाइटनिंग बनाता है। और इसमें विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और बहुत हेल्दी है। उसके बाद हमें चाहिए 2 tablespoon ऑफ हनी। हनी के अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी स्किन से पिंपल्स को बहुत अच्छे से रिमूव करते हैं, एक्ने को क्लियर करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, ये जो पेस्ट हम तैयार कर रहे हैं ये बहुत लाजवाब है, बहुत अच्छा है और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाएगा और ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग बनाएगा। सो फ्रेंड्स, इसे ज़रूर ट्राई करें। बनाना बता दी है। उसके बाद हमें इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है अच्छे से। सो हम इसे अपवन डायरेक्शन में ब्रश के हेल्प से इसे अच्छे से लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे अपने चेहरे पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। उसके बाद हमें इसे 15 to 25 minutes तक हमें वेट करना है सूखने का, और उसके बाद हम इसे फेस वॉश कर लेंगे अच्छे से। बट कोई भी हमें फेस वॉश यूज नहीं करना है, सिर्फ फेस वॉश करना है। ओके, देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल सूख चुका है। अब मैं इसे फेस वॉश कर लेती हूँ, मिलते हैं 2 मिनट बाद। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने मेरा फेस वॉश कर लिया है और मेरी जो स्किन है वो बहुत अच्छी हो चुकी है और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मुझे मेरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, इसे आप वीक में से 3 times जरूर यूज कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। और मैं इस बात से बहुत श्योर हूँ कि आपको बहुत अच्छा गारंटेड रिजल्ट मिलेगा अगर आप इसे प्रॉपरली यूज करेंगे। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।